देखिए फ्रेंड्स, ये वोल्वो का ट्रक है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त देखने में खूबसूरत लगता है। और ये नेशनल परमिट गाड़ी है, हरियाणा रजिस्टर्ड है। और अभी ये हाईवे पे मुझे मिली है गाड़ी, और देख सकते हैं कितनी लॉन्ग लेंथ गाड़ी है। और अंदर से भी देखोगे वो दोस्त तो बहुत लाजवाब लिखा हुआ है, 380। अंदर से देखिए कितनी ज़बरदस्त ये भैया लोग चला रहे हैं। देखो इसके फूट रेस्ट कितने बड़े बढ़िया है, बड़ा सा टायर है। अंदर से भी दिखा, इंडिया की हम मोस्टेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी में वर्क कर रहे हैं। हम पहले ट्रक चलाते थे, आज से ट्रक चलाते हुए हमें 11 साल हो गया है। लेकिन जो सुविधाएं इस कंपनी ने हमको प्रोवाइड की है, उस ट्रक पहले जो ट्रक चलाते थे आम कहाँ पे रहना है, कोई रेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन इस कंपनी ने हर जगह हम लोगों को VIP नौकरी, जैसे एक सरकारी नौकरी करता है वैसे इस कंपनी ने हमको हर जगह सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। रहने का, रेस्ट देने का, कैसे चलना है, कैसे आपको रहना है, कैसा ड्रेसअप करना है, कैसे आपको लोगों से बात करना है, हर चीज़ में हम लोगों की मदद की है। ये हमारी कंपनी सैलरी से लेके सब चीज़ों में हम लोग को बेहतर बनाती है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डिलीवरी प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी। चलिए ठीक है। आपकी गाड़ी तो भैया बड़े अंदर से बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। गाड़ी वॉल्वो है, वॉल्वो के सब ट्रेन नाम तो बताइए आप लोग अपना। नाम गौरव रेड्डी है। अच्छा। मैं MP का रहने वाला हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, आपका? मेरा नाम बालेश दुबे है, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। अच्छा, और आपका? मेरा नाम रंजीत विश्वकर्मा है, मैं कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप लोग कब से ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कब से काम कर रहे हैं? हम लोगों को हो गया है लॉजिस्टिक कंपनी में काम करते हुए हमको 6 साल हो गया है। 6 साल? 6 साल पहले हम, इससे पहले रिविगो कंपनी में थे, रिविगो लॉजिस्टिक कंपनी। लॉकडाउन में कुछ कारणवश वो कंपनी बंद होने के कारण फिर हम लॉकडाउन में इस कंपनी में ज्वाइन हुए। आप लोग ट्रक चलाते हो, घर की याद नहीं आती है? सर, घर की याद तो हर किसी को आती है। एक आर्मी का जवान बॉर्डर पे है। हाँ। वो आर्मी का देश का सेवा बजा, लोग दूसरे दुश्मनों से बचा रहा, हम यहाँ आर्थिक सेवा के लिए। आप भी इंडियन आर्मी के तरीके आप लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं। उनके बराबर तो नहीं, उनके लगभग हम लोग आर्थिक, देश की आर्थिक व्यवस्था को संतुलन रखने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका योगदान है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय।